एक तरफ कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी का खतरा, तो दूसरी तरफ अमली पदार्थों की तस्करी करने वाले वे ड्रग्स माफिया जिनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ऐसा लगता है कि उनके जहन में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। मुंबई शहर के युवाओं तक आज भी चोरी छिपे ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है, जिसका पर्दाफाश किया मुंबई पुलिस की क्राइम यूनिट 7 की टीम ने, जिन्होंने बांद्रा इलाके से बड़े पैमाने पर मनाली चरस की खेप बरामद की है, जो 3 किलो 800 ग्राम के आसपास है। इतने बड़े पैमाने पर बरामद किए गए मनाली चरस की कीमत 1,18,80,000 रुपए के आसपास आंकी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी बांद्रा पश्चिम के वाटरफील्ड रोड की है, जिसे रिहायशी इलाका माना जाता है। दरअसल मुंबई पुलिस की क्राइम यूनिट 7 के पुलिस अधिकारी को मुखबिर द्वारा गुप्त सूचना मिली थी कि बांद्रा पश्चिम के वाटरफील्ड रोड पर स्थित साने गुरुजी सेवा मंडल के पास एक शख्स मनाली चरस के साथ आने वाला है, जिसकी उम्र 55 साल के आसपास है। मुखबिर द्वारा गुप्त सूचना मिलने के बाद क्राइम यूनिट 7 की टीम ने जाल बिछाया और मौके से एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लेकर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास मनाली चरस के साथ बड़े बड़े गोले बरामद हुए। क्राइम ब्रांच यूनिट 7 की टीम ने जब कथित आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो किसी महिला से यह चरस लेकर आया था। आरोपी की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच की टीम ने कथित महिला के घर पर छापा मारा, जिसका नाम जोहरा बी शेख बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 75 साल के आसपास है। पुलिस की यदि माने तो इससे पहले मनाली चरस की तस्करी जोहरा बी की बहन किया करती थी, लेकिन बहन की मौत के बाद जोहरा बी शेख ने इस धंधे को संभाल लिया और अपने बेहद विश्वसनीय गुर्गों के जरिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में मनाली चरस की सप्लाई ये करवा रही थी ताकि पुलिस के हाथ इस तक न पहुंच सके। जोहरा बी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के कई ड्रग्स पैडलर के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई के चप्पे चप्पे दबिश दे रही है। क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद माननीय कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 27 मई तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है, जहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी लगातार इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से पूरे देश में ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसा जाने लगा है। इसी कड़ी में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने यह सफलता हासिल की है। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 7 यहाँ पे कार्यरत पुलिस इंस्पेक्टर सिद्धंकर, इन्हें गुप्त सूचना मिली हुई थी जिसके तहत बांद्रा इलाके में एक व्यक्ति चरस, ये जो NTPS का ड्रग्स है, उसका वहाँ पे बिक्री करता है और उसके पास सामान भी है, इस तरह से इंफॉर्मेशन मिली थी। इसके तहत 22 तारीख में एक रेड का आयोजन किया गया था। रेड करने के बाद में जब व्यक्ति को हिरासत में लिया तो उस व्यक्ति से हमें छोटे पैमाने पे चरस का सामान मिला, जिसका नाम किशोर गवली था। वो वहाँ पे बेचने के लिए आया था। जब उसको पूछा गया कि यह चरस, जो मनाली चरस नाम से भी जाना जाता है, जिसको हमने उस किट के माध्यम से चेक भी किया था NTPS ड्रग होने के बारे में, उसको पॉजिटिव रिजल्ट भी आए थे, तो उसने अन्य एक व्यक्ति का नाम बताया और घर बताया कि वहाँ से उसने इस तरह का ड्रग्स प्रोक्योर किया है, बेचने के लिए लेके आया है। जब वहाँ पे जाके रेड का आयोजन किया तो वहाँ से करीब करीब टोटल मिला के दोनों व्यक्ति की तरफ से हमें 3 किलो 960 ग्राम, यह जो कमर्शियल क्वांटिटी वाला मनाली ड्रग्स, मनाली चरस हमें प्राप्त हुआ। जिस व्यक्ति के कब्जे में मिला, उस व्यक्ति का नाम एक महिला है, जोहरा बी शेख है। इन दोनों को हिरासत में लेके फिर आगे पेंड्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया गया। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जब उनको अरेस्ट किया गया तो उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसके ऊपर हम काम करके आगे भी इसमें कुछ आरोपियों की अरेस्ट होने की संभावना।